ये सभी टैंक्स लिटरली मिसाइल्स की बारिश करने वाले हैं इन $5 लाख पर, और जो भी पैसे इनमें से बच जाएंगे वो मैं दूंगा ब्लेक को। तुम्हारा नसीब अच्छा है, मैं तुम्हें दूंगा मेरा क्रेडिट कार्ड। तुम चाहे जितने पैसे खर्च करके इन पैसों को बचा सकते हो उन सभी मिसाइल से जो हम इन पैसों पर दागने वाले हैं। यानी मैं यहाँ कुछ भी बना सकता हूँ, जो भी तुम चाहो, पर तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं और टैंक्स शुरू हो जाएंगे। ओ, मुझे मेटल चाहिए। ठीक है, चलो बॉयज, वो दौड़ रहा है, हम दौड़ के शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है ब्लेक, हम पहले कहाँ जाएंगे? पहले जंकयार्ड जाएंगे। पहले 3 घंटों में ब्लेक ने पैसों को बचाने के लिए जितना मिले उतना मेटल ढूंढने की कोशिश की। लगता है कि इसके पास मेटल मिल जाएगा, चाहे इसके लिए $30,000 क्यों ना देने पड़े। मुझे ये चाहिए, ये भी चाहिए, और सारे ट्रक। तो तुम्हें यहाँ की सभी कार्स चाहिए? हाँ, क्या मुझे वो शिपिंग कंटेनर्स दे सकते हो? तो वहाँ चलते हैं। ये बढ़िया है, इन्हें पैसों के ऊपर रखने से काम बन जाएगा। एक पूरा स्टोर खरीदना काफी नहीं था, तो ब्लेक ने और दूसरे इंडस्ट्रियल स्टोर्स के साथ भी वैसा ही किया। आज मैं आपसे जो कुछ भी लूंगा वो सब मुझे 12 घंटों में चाहिए। 12 घंटे मैं डबल देने को तैयार हूँ। ठीक है, मिल जाएगा। ये मेरे पैसे फटाफट खर्च कर रहा है। $15,000 और सामान डिलीवर होने का इंतजार करते करते हम वापस पैसों के पास चले गए, और वहाँ ब्लेक ने अपना प्लान बताया। तुमने 1 घंटे में अपनी एक स्ट्रेटेजी बना ली है, तो अब क्या करने वाले हो टैंक से अपने पैसों को बचाने के लिए? स्टेप 1, मैं शिपिंग कंटेनर को उन पैसों के ऊपर रखूंगा। ये सच में अच्छा आइडिया। स्टेप 2, विशाल वाटर टैंक। तुम्हें लगता है ये अच्छा होगा? अच्छा तो होगा, पर सबसे बढ़िया नहीं। स्टेप 3, ये कंटेनर्स भरे हुए होंगे ईंटें, घास और लकड़ियों से। स्टेप 4 है मेरा बेस्ट डिफेंस, खास तरह से रखी हुई कार्स का एक किला। और आखिरी वीडियो की तरह इस बार भी गोलियां कार से टकरा कर तितर बितर हो जाएंगी। जो आप देख रहे हैं, अगर इसने ये सब कर लिया तो मुझे सच में बहुत हैरानी होगी। चलो काम पर चले। पर ब्लेक की बदकिस्मती ये है कि अगले 4 घंटों तक उसके मटेरियल्स की डिलीवरी नहीं हो पाई, तो काम पूरा करने के लिए उसने कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को हायर किया। मैं किला बनाने वाला, अगर इस पे एटॉमिक बॉम्ब भी गिर जाएगा तो भी पैसों को कुछ नहीं होगा। ये बिल्कुल एक इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन साइट जैसा है। शुरू में देखकर लग रहा था कि ब्लेक अपने पैसों को जरूर बचा लेगा, पर अगर वो 5 लाख इन टैंक से बच भी जाते हैं, फिर भी टैंक सिर्फ उन 4 अटैक फेजेस में से एक है जिनसे ब्लेक को बच के रहना होगा। और भरोसा करो, मैं कह रहा हूँ कि वो बहुत चुनौती भरे होंगे। पूरी रात ब्लेक और उसके क्रू ने पैसों को सुरक्षित करने के लिए बहुत मेहनत की, पर सूरज उगने तक भी उनका काम पूरा नहीं हुआ। बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। वो है पैसे और टैंक्स वहाँ पर है, पर ये कार यहाँ पर कैसे? मैंने पीछे मेरी इन्वेंटरी रखी है। डूड, अपनी इन्वेंटरी को पैसों और टैंक के बीच में रखो। बस 10 मिनट दो और वो व्हाइट कार वहाँ। बस 5 मिनट है और कुछ करने के लिए मेरे पास और वक्त नहीं। वक्त खत्म हुआ। रुको, वक्त खत्म हुआ, उसे नीचे रखो, बहुत दूर चले जाओ। ब्लेक, तुम्हारा वक्त ऑफिशियली खत्म हुआ है। मजबूत तो लग रहा है, चलो टैंक्स फायर करते हैं। मैं पिछले पूरे 25 घंटों से बिना सोए लगातार इसे बना रहा हूँ, और अब ये बढ़िया लग रहा है। लेकिन जब मुड़कर मैंने इन 5 बीस्ट को देखा और फिर मेरी नजर इन शेल्स के ऊपर गई, सोचा नहीं था कि ये इतने बड़े होंगे। तुम्हें लगता है शिपिंग कंटेनर्स इन्हें रोक पाएंगे? उम्मीद है 3 रोक देंगे। ओह गॉड, ठीक है, वक्त हो गया, टैंक्स लोड करो। ठीक है, ये 5 टैंक्स पैसों पर निशाना लगाकर 20 राउंड फायर करने वाले हैं। ब्लेक, पहला शॉट फायर करो। कितनी धूल है। ओह माय गॉश, उसका चेहरा तो देखो, ब्लेक का चेहरा देखो, समझो इसके पैसे तो गए। अब बस 19 बचे हैं ना? अब बस 19 बचे हैं। चैंडलर फायर। इसमें बहुत मजा आ रहा है। ओह माय गॉड, यहाँ से देखे तो उस कंटेनर में 8 छेद दिख रहे हैं। हाँ, वो मुझे भी दिख रहे हैं। हो ही नहीं सकता पैसे सेफ होंगे। मैं पूछता कि तुम्हें कैसा लग रहा है, पर पहले बाकी शॉट्स फायर कर लेते हैं। चलो इसे खत्म करते हैं। 5 शॉट्स, 4 शॉट्स बचे हैं, 3 शॉट्स बचे हैं। वहाँ पीछे कितने पैसे हैं? करीब 5 लाख। 2 बचे हैं। और जाहिर है ब्लेक, आखिरी शॉट तुम्हें फायर करना होगा। हाँ, बहुत खुशी से। इसके बाद देखते हैं तुम्हारे पास कितने पैसे बचे हैं। चलो चले। ओ, वो दौड़ रहा है, वो बहुत तेज है। कुछ पैसे बचे हैं, रुको, ये बच गए। हाँ। ब्लेक, लगता है तुम्हारे पैसे बच गए। सलामत है। पता है तुम खुश हो, पर अब वक्त है दूसरे फेज का, और अगले 24 घंटों में हम इन पैसों के इर्द गिर्द इतना बड़ा बॉम्ब फोड़ने वाले हैं जो कि हमारे चैनल के इतिहास में कभी नहीं फोड़ा गया है। तुम उसे गिराने वाले हो या शूट करने वाले? उसके अच्छा किया, बस अभी आया। ब्लेक, क्या लगता है इन हरी क्रेट्स में क्या है? मैं नहीं जानता, पर लगता है कि... ठीक है, मैं बताता हूँ। इन 100 क्रेट्स के अंदर ऊपर से नीचे तक TNT भरा है। तुम्हें इसकी इजाजत कैसे मिलती? पता नहीं ये लीगल है या नहीं। और जब तक हम YouTube के इतिहास के सबसे बड़े धमाके की तैयारी कर रहे थे, ब्लेक अपने पैसों को सेफ रखने के लिए स्ट्रेटेजी बना रहा था। स्टेप 1, हमें यहाँ से सभी जलने वाली चीजों को बाहर करना होगा, सभी लकड़ियाँ फेंकनी होगी। स्टेप 2, वाटर टैंक। स्टेप 3, मेरे पास जो कंटेनर्स हैं उन्हें खिसकाना होगा और पैसे वाले कंटेनर के अगल बगल में रखना होगा। स्टेप 4 में होंगी दीवारें, सीमेंट, ईंटें, जरूरत पड़े तो कार। वो धमाका टैंक वाले से बहुत बड़ा होगा। उस सेफ को उड़ाने वाले से भी बड़ा होगा। उस सेफ के अंदर की हर एक चीज तबाह हो गई थी। इससे पहले भी ये इस वीडियो में $2.5 लाख हारा था, फिर से वैसा ही करोगे?
नहीं, जब फेज टू को शुरू होने में बस 18 घंटे बचे थे तब ब्लेक ने हायर किए वर्कर्स को एक लाइफ चेंजिंग स्पीच दी। साथियों, हमने एक दिन निकाल लिया। कम ऑन, शाबाश, आप सभी ने बहुत बढ़िया काम किया, पर वो $5,00,000 अब भी वही है, तो चलो काम पर लगे। चलो, चलो। और क्योंकि यहाँ तक आते आते ब्लेक पूरे 24 घंटों तक नहीं सोया था, तो काम पूरा करने के लिए उसने वर्कर्स पर भरोसा किया और सोने के लिए चला गया। हाँ, मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट दोस्तों, मैं हूँ ब्लेक, गुड नाइट ऑल। और क्योंकि वो बहुत थका हुआ था तो हमने जितना सोचा था वो उससे ज्यादा ही सो गया। कल मेरी नींद अच्छे से हुई है, देखने जा रहा हूँ कि रात भर में कितनी प्रोग्रेस हुई है। आधा खाली, इसका मतलब मेरे जाने के बाद कोई भी काम नहीं हुआ, ये तो सही नहीं है। देखते हैं यहाँ क्या हाल है। उसकी इंस्पायरिंग स्पीच के बाद भी जो वर्कर्स ब्लेक ने हायर किए थे उन्होंने काम पूरा नहीं किया था, और जब बस 6 घंटे बचे थे ब्लेक ने वहाँ के वीक स्पॉट्स को मजबूत करने के लिए स्पेयर पार्ट्स, ब्रेक्स और कार्स से ढकने की कोशिश की। अब ये बढ़िया है, सब सही है। हेलो मिस्टर जिमी, मैं क्या देखने वाला हूँ? ध्यान से सुनोगे तो बीपिंग की आवाज आएगी, जो कि एक स्कूल बस की आवाज है, जो सीधे तुम जहाँ खड़े हो वहाँ आकर गिरी। उम्मीद है उसमें बच्चे भरे नहीं होंगे। वो बस छोटी है। मैंने वो तो नहीं पूछा था। यह है हमारे ब्रांड न्यू फीस्टेबल बार्स, नया फ्लेवर, नई ब्रांडिंग, ट्राई करना चाहोगे? हाँ। उसे स्नैक का लालच दे रहा हूँ ताकि वो बता ना सके कि बस को कहाँ पर रखना है। झूठ सच कहता हूँ, ये सभी चॉकलेट से बहुत बेहतर है बाकी सभी से। मेरा दावा है, क्या कोई चॉकलेट खाना चाहता है? रिकॉर्ड किया? ए ब्लेक, 5 मिनट फिर बूम। मुझे बस 10 मिनट चाहिए, 5 मिनट एक्स्ट्रा दे दो। 4 मिनट बचे हैं ब्रो, तुम उन पर पानी डाल रहे हो। बहुत अच्छा लग रहा है। वो खुश नहीं लग रहे हैं, वो कार से नीचे उतर रहे हैं। अब बस 90 सेकंड्स बचे हैं। ब्लेक, वक्त खत्म हो रहा है। चलो चलो, कम ऑन कम ऑन। ए, 5 बज गए हैं। रुको रुको रुको, बंद कर दो, बंद करो। चलो बंकर की ओर चलते हैं। तुम टैंक से बस बाल बाल ही बचे हो, देखते हैं फिर कर पाते हो या नहीं। थोड़ा सूरज ढलने दो ताकि और अंधेरा हो जाए। हमने अब तक इतना बड़ा बॉम्ब आज तक नहीं उड़ाया है। मैं पहली बार एक बॉम्ब को देखूंगा। ब्लेक, क्या तुम नर्वस हो? हाँ, मुझे पसीने आ रहे हैं। ये है डेटोनेशन डिवाइस, ये लो। ये ऑन है? हाँ, ये ऑन है। 2 दिनों की मेहनत, पूरी 17 कार्स, 6 वाटर टैंक्स, 4 शिपिंग कंटेनर्स और पूरे $5,00,000 दाव पर लगे हैं। चलो देखते हैं कि तुम अमीर बनने वाले हो या खाली हाथ घर जाने वाले हो। क्या तुम तैयार हो ब्लेक? 3, 2, 1। मॉम, आई लव यू। ओह माय गॉड, वो आग का तूफान विशाल है। चलकर उसे बुझाएं। उसे बुझाने जाने से पहले मैं बस तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ ताकि तुम कुछ कर ना पाओ। चलो 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 चलो, चलकर देखते हैं। नहीं, ओह वहाँ पर तो आग लगी है। नहीं, ओह यहाँ थोड़ा संभल के। मेरे पैसों से हटो। वहाँ आग अब भी चल रही है, ब्लेक के सैंड बैग्स हटा रहा है, ये ठीक होना चाहिए। क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है? पैसे सेफ है। ओह माय गॉड, या बेबी। उन पर बहुत ज्यादा धूल है पर लगता है वो सेफ है। मैं जानता था। ब्लेक, तुमने 4 फेज में से 2 फेज पूरे कर लिए हैं, या तुम देखना चाहोगे कि अगला चैलेंज क्या है? ठीक है ब्लेक, अब अगले चैलेंज में हम पेट्रोल से भरी हुई जलती हुई कार्स को तुम्हारे पैसों पर फेंकने वाले हैं। तुम बता सकते हो कितनी कार? सारी। बहुत सारी, बहुत सारी। ये अब तक का सबसे मुश्किल फेज होने वाला है। ब्लेक को सिर्फ ऊपर से आने वाले हमले से नहीं बचना है, बल्कि उसे उस फ्लेमेबल पेट्रोल से भी अपने पैसों को बचाना होगा जो डिफेंस की क्रैक से बहकर अंदर जा सकता है। और कार्स को ड्रॉप करने के बाद एक और सरप्राइज है। गुड लक। मैं चाहता हूँ पैसों से भरी जो क्रेट है उस कंटेनर में कंक्रीट भरा जाए, और यहाँ पर जो कंटेनर है इसे उसके ऊपर रखा जाए। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ब्लेक बहुत मेहनत कर रहा था, इसीलिए आखिर में वो सोने चला गया और ज्यादातर काम अगले दिन के लिए छोड़ गया। और भले ही वो कॉन्फिडेंट लग रहा है, पर जल्द ही ये चैलेंज खुद को इतना मुश्किल साबित करने वाला था जो उसने कभी ऐसी वीडियोस में नहीं देखा होगा। ठीक है, ये 4th दिन है, मुझे ज़ॉम्बी जैसा लग रहा है, और अब हम वो शिपिंग कंटेनर लेने वाले हैं और उसे उठाकर हम एक पॉइंट पर ठीक फॉर्मेशन में रख देंगे, एक पिरामिड की तरह अगला हिस्सा सामने, ताकि कार्स टकरा कर नीचे गिर जाए। हमें जल्द से जल्द उस कंटेनर को वहाँ ऊपर रखना होगा। मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। अगले कुछ घंटों तक कार्स को दूर भेजने के लिए ब्लेक ने उस कंटेनर को एक एंगल में रखने की हर एक मुमकिन कोशिश की, यहाँ तक कि उन्हें उछालने के लिए लकड़ी का भी इस्तेमाल किया। अगर वो कंटेनर जहाँ मैं चाहता हूँ अभी वहाँ पर नहीं रखा गया, तो शायद से मैं बहुत पैसे गवा दूंगा।
हमने कर दिखाया, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमें उन वाटर टैंक्स को ठीक यहाँ पर लाना होगा। हाँ, उन्हें ईंटों से भर दो और अब उस आखिरी वाली कार को ले आओ, उसे यहाँ पर रख दो, वो यहाँ ब्लॉक कर देगी, फिर ये बढ़िया लगेगा, हमारा प्लान कामयाब होगा। पर ब्लेक ये नहीं जानता था कि मैं एक ट्विस्ट लाने वाला था। जाना चाहोगे कि ट्विस्ट क्या है? मेरे पीछे वहाँ वो फ्लैग देख रहे हो, वो एक गुलेल है। जैसे ही कार ऊपर से गिरेगी तब बगल से आग के विशाल गोले दागे जाएंगे। मैं सोच ही रहा था पर लगा नहीं था कि वो एक गुलेल होगी। मेरे पास और सामान नहीं है, अब क्या इस्तेमाल करूँ। आखिरी कुछ घंटों में ब्लेक हड़बड़ी में किले के वीक स्पॉट्स ढकने लगा, पर फिर भी अभी एक चीज मिसिंग थी, उसका वाटर ट्रक जिसे सुबह रिफिल के लिए भेजा था उसने आने में बहुत देर कर ली। बस 90 सेकंड्स बचे हैं। ठीक है, वो आ गया। हमेशा की तरह ये भी ब्लेक को एकदम टाइम पर मिला। 60, 59, 58, 54। कार को ड्रॉप करने से पहले ये सब कुछ गीला कर रहा है ताकि ये पैसों को उस आग से बचा सके। सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। तुम्हें सच में लगता है कि इससे वो आग रुकेगी? ओ हाँ, बेशक। 3, 2, 1, नीचे फेंको। इसके लिए मैं तुम पर आखिरी चैलेंज में तरस नहीं खाऊंगा। तुम्हें पता था ऐसा जानबूझकर किया। ओ नहीं, वो पल आ गया। देखो वो कार कितनी ऊंचाई पर है। ये बस उन 5 जलती कार्स में से पहली कार है जिन्हें हम नीचे फेंकने वाले हैं, और उनके ऊपर से गुलेल से 5 विशाल आग के गोले। तैयार हो, जल्दी से शुरू करो, उसे चलाया जाए। अब नीचे फेंको। ओ माय गॉड, एक मिनट, अभी हर एक चीज आग से झुलस रही है। वो जलती कार सक्सेसफुली कंटेनर से नीचे लुढ़क गई, पर कार के नीचे जो लकड़ियाँ लगाई गई थी उन्होंने जल्द ही आग पकड़ ली। डूड, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? वहाँ क्या है जिसमें आग लगी है? मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता क्या कहना चाहिए। उस शिपिंग कंटेनर के ऊपर क्या था? ठीक है, वहाँ पर लकड़ियाँ हैं, इसे नजर ना लगे, इसे छूता हूँ। तुमने लकड़ियाँ रखी? तुम जानते थे ना कि हम जल्दी कार्स गिराने वाले हैं? उनका इस्तेमाल करना ही पड़ा। लकीली ब्लेक ने उन पैसों को सिंडर ब्लॉक से घेर लिया था, तो अब भी बहुत चांस है कि उसके पैसे अंदर जरे नहीं होंगे। और क्योंकि हम इस वीडियो के सबसे कूलेस्ट पार्ट पर जाने वाले हैं, तो जाहिर है अब मैं आपको बताऊंगा एकॉन्स के बारे में। उनका डेबिट कार्ड आपके पैसों को बढ़ाने के लिए बना है, सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं। एक सेकंड में आपको और बताता हूँ। एकॉन ने लॉन्च किया है नया माइटी ओक डेबिट कार्ड, वो भी ड्वेन जॉनसन के साथ। इस डेबिट कार्ड की खासियत ये है कि जब भी आप कुछ खरीदते हैं ये अपने आप ही करीबी रकम से राउंड अप करता है और उस पर को इन्वेस्ट करता है। मानो या ना मानो, आपके पैसे भी खतरे में हैं, इन जलते गोलों से नहीं बल्कि उन बिल्स, खर्चे और महंगाई से। और इसीलिए जब आप खर्च नहीं करते तब आपके पैसे एक मौजूदा हाईएस्ट एपीवाई में इन्वेस्ट किए जाएंगे। चैनल एपीवाई का मतलब क्या होता है? इसका मतलब अपने अकाउंट में पैसे डालकर आप बिल्स और महंगाई से मुकाबला कर सकते हैं और अपने पैसे बढ़ा सकते हैं। लेक, तुम्हारा क्या हाल है दोस्त? याद कर रहा हूँ कि चैलेंज हारने पर कैसा लगता है। वो डायरेक्ट उसे देखो, वो ठीक पैसों पर गिरा। और बस साइन अप करने पर एकॉन्स और मैं आपको $20 देंगे ताकि आप पैसे बढ़ाना शुरू कर सके। तो जाइए acons.com/mrbeast पर ये जानने के लिए कि पैसे आपके लिए कैसे काम कर सकते हैं। उसे आग लगा दो, नीचे गिराओ। वो आग की बारिश पूरी रात चलती रही। और क्योंकि लपटें बढ़ती ही जा रही थी, ब्लेक के पैसे बचने के चांसेस उतने ही कम हो रहे थे। नहीं नहीं नहीं, वो आग करीब 1.5 घंटे से जल रही है। एक तो वो पूरे पैसे वहाँ होंगे या पूरे खाक हो गए होंगे। वहाँ पर कुछ लकड़ियाँ रखी हुई हैं। इसने गलती से एक विशाल बॉनफायर बना दिया है। उसे लगा वो एक किला बना रहा है पर असल में वो एक चिता बना रहा था। अब भी ऐसा हो सकता है कि कंक्रीट ने पैसे बचा लिए। देख, सच्चाई का वक्त है। क्या तुम्हारे सिंडर ब्लॉक्स उन पैसों को बचा पाए या फिर आग कुछ ज्यादा ही थी? ओह माय गॉड, ओ नहीं, ओ ये तो बर्बाद हो गए। रुको, ये पैसे जल गए। अंदर का टेम्परेचर 1000 degrees है। अब सच्चाई को अपना लो ब्लेक, पैसे चले गए। जैसे कि आपने देखा, सभी पैसे ऐसे दिख रहे हैं। और एक हार, लेजर वाले चैलेंज से ज्यादा दुख हो रहा है। बहुत मेहनत करने पर कुछ भी नहीं मिला, दुख हो रहा है। हाँ, बहुत दुख। ये चैलेंज अब ऑफिशियली खत्म होता है। और जाने से पहले ब्लेक, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं। तुम यहाँ से जा सकते हो $1,00,000 के साथ, या ले सकते हो एक तीसरा और फाइनल चांस अगले वीडियो में हिस्सा लेने का। ठीक है, मैं वापस आऊंगा। तुम वापस आओगे? बिल्कुल आऊंगा। ठीक है, वीडियो में जीतने का ब्लेक का आखिरी चांस होगा ठीक यहाँ पर वो फरवरी तक नहीं आएगा। मुझे नहीं लगता मैं, ये ऑडियंस, ये सभी लोग तुम्हें तीसरी बार हारते देख पाएंगे। दोबारा मिलते हैं।